नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज जी। दोस्तों तो आज जो है क्लास सिक्स एनसीईआरटी का जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, उसका दूसरा चैप्टर आ चुका है। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और साइंस और हिस्ट्री का भी क्लास सिक्स का कम्प्लीट हो चुका है एनसीईआरटी बुक, उसको भी जाकर आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। चलिए हम इसको देखते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान का भूगोल और इतिहास का असर जो है पड़ता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या है, इसका अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना पूर्वाग्रह है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जो भेदभाव को जो है जन्म देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का और लड़की में भेदभाव को जन्म देती है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए लड़की, लड़की के लिए जो भेदभाव किया जाता है कि लड़की ऐसी होती है जो है कमज़ोर, कोमल, मृदु स्वभाव आदि की, और लड़के के बारे में जो तथ्य किया जाता है वो है कि वे रोते नहीं, कमज़ोर नहीं होते, वे बहादुर होते हैं, इस प्रकार से इन दोनों में भेदभाव किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ बोलते हैं, इस प्रकार की धारणा को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं, तब जो है रूढ़िबद्ध धारणा पनपती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं विविधता क्या है। देखिए विविधता, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। और समानता, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं तो इस प्रकार से विविधता पैदा होती है। चलिए और देखते हैं। देखिए इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कई धार्मिक जनजातियां समुदाय किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दलित, दलित क्या है, इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। देखिए और देखिए, देखिए भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। भारत में जो है सबसे बड़ा जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था जो है भेदभाव को जन्म देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी जो है असमानता व्याप्त है। चलिए दोस्तों आपका जो है आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और तीसरा चैप्टर भी आपका जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले कि आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें।
और आपको बता दें कि क्लास सिक्स का जो है हिस्ट्री और साइंस पहले कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लें। और आप लोगों को हम सिक्स से लेकर टेन तक सभी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कराएंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।